मेहंदीपुर बालाजी धाम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में है। मेरे पीछे ये जो लोग आप देख रहे हैं, इनके शरीर में भूत प्रेत एवं दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है। ये सारे लोग कुछ समय में बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि बालाजी के शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। भूत प्रेत यदि किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर लें तो किसी प्रकार वह मनुष्य कुछ समय बाद ठीक हो भी जाता है। यदि कोई भयानक शैतान मनुष्य के शरीर में घुस जाए तो उस मनुष्य का मरना तय है। परंतु जैसा कि मैंने कहा, बालाजी के शक्ति के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसी एक घटना आज से 5 साल पहले हुई थी। स्वयं मैंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे, जिस वजह से पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में ही हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। आज से 5 वर्ष पूर्व की जो घटना है वह एक डरावने शैतान की है। तो चलिए इस कहानी को जानने के लिए 5 वर्ष पहले जाते हैं। बाब, अमर, अरे कहाँ चले गए? अरे यार, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अमर, बॉब, अरे कोई तो जवाब दो यार। कौन कौन है वहां पर? कौन है? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। क्या कहा, जाने दो तुम्हें? मैं, मेरे सामने जो भी आया वो मुझसे बच नहीं पाया। शैतान राजा हूँ मैं, शैतान राजा। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं नहीं, मत मारो, छोड़ो मुझे। एक डरावने सपने को देखकर सैंडी चिल्ला कर उठता है और सुबह सैंडी उस डरावने सपने के बारे में अपने पापा को बताता है। बेटा, बस वह एक डरावना सपना है और कुछ नहीं, भूत प्रेत नहीं होते, समझे? चलो अब कॉलेज जाओ। हाँ ना भाई, होता है ना भाई, आपुन बोल रहे लाए ना, बहुत तरह के भूत शैतान होते हैं ना। हंसने वाला भूत, रुलाने वाला भूत, चिल्लाने वाला भूत, झगड़ा लफड़ा करने वाला भूत। पर मैंने तो शैतान राजा को देखा था। आप उनको पता है ना, वो शैतान राजा जो रहता है ना, वो सभी शैतानों का राजा रहता है। उसके सिर पर गोल्डन ताज भी रहेगा। बट बॉब, उसके सिर पर ताज नहीं था। क्या, ताज नहीं था? अबे तो फिर उसने तेरे को चूरन दिए लाए, वो फिर 2 कौड़ी का नकली भूत होएगा। अरे वो शैतान ने तेरे को नकली समझ के कड़क वाला ढांचा दिया है, समझा? मतलब तेरे को येड़ा बनाए लाए, येड़ा। हो गया तुम दोनों का, अब बस करो यार, कोई भूत वूत नहीं होता। सैंडी ने बस एक सपना देखा था जो कि उसे भूल जाना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा अमर। अमर के बात से सहमत होकर तीनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। काफी रात हो जाती है और सैंडी अभी तक सोने की कोशिश करता है और कुछ समय बाद उसे नींद आ जाती है। अरे अरे, ये क्या, मैं तो कल इसी खंडर में आया था और वह शैतान राजा ने तो मुझे मार दिया था, पर आज मैं फिर यहाँ कैसे आ गया? सैंडी अपने आप को उस जगह पर देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, ये तो पायल की आवाज है। ये तो कोई औरत है। सुनिए सुनिए, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता सकते हैं? सैंडी उस स्त्री के पीछे जाने लगता है। उस स्त्री की पायल की गूंजती आवाज और सिर के नीचे तक घूंघट
और वह स्त्री कोई नवविवाहित दुल्हन लग रही थी। प्लीज प्लीज रुक जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताइए। क्या तुम्हें बाहर जाना है? हाँ हाँ, प्लीज मुझे रास्ता बता दीजिए। सैंडी उस स्त्री के भयानक चेहरे को देखकर वहां से भागने लगता है कि तभी उसके सामने वह डरावना दानव आकर खड़े हो जाता है। तुम तो शैतान के राजा हो ना, मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं शैतानों का राजा नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कह दिया था, राजा तो कोई और है। देखना चाहोगे हमारे शैतान राजा को? नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। आज से 10 दिन बाद अमावस्या की काली रात में इसी जगह पर तुम्हारी बलि दी जाएगी और हमारे महाराज की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इन 10 दिनों तक मैं तुम्हारे शरीर में ही रहूंगा। छोड़ो मुझे। बेटा सैंडी, क्या हुआ तुम्हें? आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? मैं क्या करूंगा कॉलेज जाकर, अब वैसे भी 10 दिन बाद तो मैं मरने ही वाला हूँ। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? और यहाँ मेरे तरफ मुड़कर बात करो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इन 10 दिनों तक परेशान करना बंद करो, वरना मैं जाते जाते तुम्हें भी मार दूंगा। सैंडी की बदलती आवाज और डरावने चेहरे को देखकर सैंडी के पापा काफी घबरा जाते हैं और वे तुरंत ही सैंडी के दोस्तों को फोन करके बुलाते हैं। क्या हुआ अंकल? फोन पर आपकी घबराई हुई आवाज सुनकर हम लोग दौड़ते हुए आ गए। बताइए ना, क्या हुआ है? सैंडी को पता नहीं क्या हुआ है। उसका डरावना चेहरा, लाल लाल आंखें और 10 दिन बाद वह मरने वाला है, ऐसा बोल रहा था वो। अरे अंकल, अभी समझ में आया, उसने आपके साथ प्रैंक किया है। सैंडी कुछ दिन पहले अपने को बोल रहा था कि वो एक हिडन कैमरा रख के आपके साथ प्रैंक करने वाला है और वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, वो सच में काफी डरावना था। अंकल आप यहीं रुकिए, हम दोनों सैंडी को देखते हैं। क्या बे चिरकुट सैंडी, पापा के साथ में प्रैंक? हाँ, कितने लाइक्स आए तेरे वीडियो पर? देख सैंडी, मजाक बहुत हो चुका, तेरे पापा घबराए हुए हैं, जाकर समझा उन्हें। अरे तू तभी से गुर 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 क्या कर रहा है? कार्बोरेटर फंस गया क्या गले में तेरे? ले जाकर क्या करूंगा, 10 दिन बाद तो मरने वाला हूँ मैं। अरे अरे, इसका गर्दन कैसे घूम गया है? कितना कितना डरावना लग रहा है ये। बॉब, तुम्हें खंडर तो याद है ना, जहाँ हम गए थे, बस वहीं पर मेरी बलि दी जाएगी। अब तुम लोग चले जाओ यहाँ से, वरना कोई नहीं बचेगा। अबे फटाक से कल्टी मार, ये तो भूत बन गया है।